चलिए आज हम कक्षा 9 की पाठ संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.6 के सवाल करते हैं। ठीक है, इसमें पहला सवाल है हमारा ज्ञात कीजिए, जिसमें तीन भाग दिए हुए हैं। पहला भाग करते हैं हम, यह है हमारा 64 की घात 1/2। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 64 दिया हुआ है इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये देखिए 64 कैसे जाएगा, 2 से 2 3 6 2 2 4। ये इसको भाग वैसे देते हैं जो सबसे छोटे से छोटा टुकड़े इसके हो जाए, उससे छोटा टुकड़ा हो ही ना। 16 2 32। अब 2 से छोटा क्या होगा, कुछ भी नहीं, 1 1 1 का क्या, फिर 64 ही रह जाएगा, इसलिए 2 से इसके टुकड़े करना शुरू करते हैं। 2 8 2 16, फिर 2 से जाएगा 4 बचा, फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, क्या बचा ये, 1। तो अब ये कितने, इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखेंगे इसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और ब्रैकेट बंद, और इसकी घात हमें दी हुई है 1/2। अब आपको पता होगा जब ब्रैकेट खोल के बाहर वाले की घात आएगी तो इसके साथ में जो जिस अंदर वाली घात के साथ में ये गुणा में आ जाएगी, 2 की पावर 6 × 1/2। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अब ये आया हमारा 2 की घात 3, और इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो ये क्या हुआ हमारा 8, और ये हो गया इसका उत्तर। और ये वाला जो हमने गुणनखंड किया है ये रफ काम है, ये अलग करना होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग करते हैं, चलिए अब इसका दूसरा भाग करते हैं जो है 32 की घात 1/2। तो इसे हल करना शुरू करते हैं, क्या करेंगे इसका हम 32 के गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, 2 से जाएगा ये 16 2 9 32, फिर 2 से जाएगा 8 2 9 16, फिर 2 से जाएगा 4 2 9 8, और ये फिर 2 से जाएगा 2 2 9 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 1 2। तो अब इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, और इसकी घात 1/2, ब्रैकेट बंद करके। अभी क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, 2 की घात 1 2 3 4 5। देखिए ये जो है 1 32 की घात 1/2 लिख कर आया था, लेकिन 1/5 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है,
तो अभी ये आया हमारा दो की, इसके गुणनखंड हुए पाँच, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, दो की घात पाँच, ब्रैकेट बंद, और इसकी घात एक बटा पाँच। तो ये कैसे लिखेंगे हम, दो की घात पाँच गुणा एक बटा पाँच, और पाँच से पाँच चला जाएगा, ये दो की घात एक बचा, दो की घात एक इसका मतलब दो ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर इसका। चलिए अब हम लगाते हैं इसका तीसरा वायर। जो है 125 की घात एक बटा तीन। तो क्या करेंगे, आपको पता है 125 के हम गुणनखंड करेंगे। ये किससे जाएगा, पाँच से, पाँच दुना दस, पचम 25। फिर ये किससे जाएगा, पाँच से, पचम 25, बचा पाँच, पाँच किससे जाएगा, पाँच से, पाँच ही कम पाँच। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, एक दो तीन। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले पाँच गुणा में पाँच गुणा में पाँच की घात एक बटा तीन। और अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पाँच को पाँच की घात तीन, और ये बाहर है हमारा एक बटा तीन घात। तो इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर वाली पावर घात आ जाएगी इसके साथ में गुणा में, तीन से तीन कट जाएगा, क्या बचा हमारा पाँच। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका पहले पार्ट के, पहले क्वेश्चन के तीनों भाग हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं अगला सवाल, बड़ा है ना। चलिए ये हमारा सवाल दूसरा, इसमें भी ऐसे ही पहले वाले की तरह है, ये ज्ञात कीजिए। इसके चार भाग हैं और पहला है 9 की घात 3 बटा 2। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। ये हमारा 9 की घात 3 बटा 2। तो आपको पता है क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। 9 कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तीन 9, 3 बचा, फिर ये किससे जाएगा, 3 ही कम 3। तो ये कितने गुणनखंड हुए इसके, 2। तो कैसे लिखेंगे इसे, 3 गुणा 3 ब्रैकेट बंद की घात 3 बटा 2। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की घात 2, और ब्रैकेट बंद 3 बटा 2। तो आपको पता है क्या करते हैं हम, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली घात अंदर वाली घात के साथ में गुणा में आ जाती है, ये फॉर्मूला होता है 3 बटा 2। तो अब ये 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा हमारा, 3 की घात 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। ये हो गया इसका पहले भाग का उत्तर। अब दूसरा करते हैं, ये हमारा 32 की घात 2 बटा 5। तो क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड करेंगे 32 के, किससे जाएगा, 2 से, 16 दुना 32, फिर 2 से जाएगा ये 8 दुना 16, फिर 2 से जाएगा 4 दुना 8, फिर 2 से जाएगा 2 दुना 4। अब ये 2 किससे जाएगा,
एक बार जाएगा दो ही कम दो, तो ये कितने गुणनखंड हुए, एक दो तीन चार पाँच। तो इसे कैसे लिखेंगे, दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो, तो इसकी घात तीन बटा पाँच। इसे हम कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, यह है दो बटा पाँच। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दो की घात पाँच, ब्रैकेट बंद, पर जो बाहर घात लिखी है वह लिखेंगे दो बटा पाँच है। अब इसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, दो की घात पाँच गुणा में दो बटा पाँच, पाँच से पाँच चला जाएगा, क्या बचा हमारे पास, दो की घात दो। और इसे कैसे लिखेंगे हम, दो गुणा में दो, ये क्या हो गया हमारा, दो दुना चार, ठीक है। अब ये हमारा तीसरा भाग इसका, यह है सोलह की घात तीन बटा चार। तो इसे हल करना शुरू करते हैं, सोलह की घात तीन बटा चार, इसके हम गुणनखंड करेंगे सोलह के, ये क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, दो से जाएगा, आठ दूना सोलह, फिर ये दो से जाएगा, चार दूना आठ, फिर दो से जाएगा, दो दूना चार, ये दो से जाएगा एक बार, तो ये कितना होगा, एक दो तीन चार। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो, और बाहर घात दी हुई है हमारी तीन बटा चार। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक दो तीन चार, दो की घात चार, ब्रैकेट बंद, बाहर घात है हमारे पास दो तीन बटा चार। तो इसे ब्रैकेट को खोल देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाली घात अंदर वाली घात के साथ में गुणा में आ जाएगी, चार से चार चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, दो की घात तीन। इसे हम कैसे लिखेंगे, दो गुणा में दो गुणा में दो, तो ये कितना हो गया, दो दूना चार दूना आठ, ये हो गया इसका उत्तर। अब हमारे पास है चौथा भाग इसका, इसे हल करना शुरू करते हैं। यह है 125 की घात माइनस एक बटा तीन। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड करेंगे 125 के, कितनी बार जाएगा, पाँच से जाएगा, पाँच दूना दस, दो बचा, दो और पाँच कितने हुए, 25, पचम 25, ये कितनी बार जाएगा, पाँच से जाएगा, पचम 25, पाँच कितनी बार जाएगा, एक बार पाँच से, तो कितने गुणनखंड हुए, एक दो तीन। इसे हम कैसे लिखेंगे, पाँच गुणा पाँच, और बाहर है हमारी घात माइनस एक बटा तीन। तो इसे पाँच को हम किस रूप में लिखेंगे, पाँच की घात तीन, बाहर है हमारा माइनस एक बटा तीन घात। इसे ब्रैकेट को खोल देंगे हम, पाँच की घात तीन गुणा में माइनस एक बटा तीन, तीन से तीन चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस की पाँच की घात माइनस वन। इसे हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे घात को प्लस में करना होगा तो इसे कर देंगे हम एक बटा पाँच, ये भी आंसर का एक रूप है और दूसरा रूप यह है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इसके दो सवालों के उत्तर दिए हैं, और इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले सवाल हम अगली वीडियो में करते हैं।